कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें तो कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर के तौर तरीके पर चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कश्मीरी पंडित तो है, हबा कदल की रहने वाली थी। तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ जानेंगे कि इस वक्त आप कहाँ रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका कोल है और इस समय मैं जम्मू में रहती हूँ। इससे पहले जब माइग्रेशन हुई तो उससे पहले आप कहाँ रहे? मेरा बस जम्मू का है, मेरे पेरेंट्स कश्मीर के थे, मेरी मम्मा हाल पुलवामा के थे। आपसे ये चीज़ जानेंगे कि रूफ की अगर बात करें तो आप रूफ परफॉर्म करती है, तो कितना पसंद है आपको, कितना प्यार आता है आपको जब ये रूफ आप परफॉर्म करती है? देखिए, एज ए कश्मीरी पंडित हमें अपने कश्मीरी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे लगता है हमारी कश्मीरी भाषा से ज़्यादा मधुर भाषा कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे हमारा कश्मीरी कल्चर आता है, जैसे आप अपना वनमुन रख लीजिए, हमारा हिंजे रख लीजिए, बात एक ही है। लेकिन वनमुन हिंजे हमारे कश्मीर में शादियों पर गाने सबके सिमिलर होते हैं, मर्ज लागो ही लगता है, या आप मर्ज राती ऐसे ही गाने होते हैं, हमारे पे भी गाने वाले आते हैं, आप पे भी गाने, तो सिमिलर है। एक फीलिंग्स होती है, एक जज्बात होती है कश्मीरी सुन के, तो बहुत अच्छा लगता है। जब कश्मीर में आप रहते थे तो कितना प्यार था कश्मीरी पंडितों के बीच, कश्मीरी मुसलमानों के? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बस जम्मू का है, लेकिन मेरी मम्मा बताते हैं, वो छोटे थे, वो थर्ड में थे जब माइग्रेशन हुई थी, तो बताते हैं कि बहुत ही अच्छा इनके जितने भी बॉन्ड्स थे अपने, इवन कि अभी भी है हम लोगों का, हम लोग अभी भी कश्मीर आते हैं, अपने जितने मेरी मम्मा के रिलेटिव, हमने बहुत सारे, कहते हैं ना कि नाम के नहीं, खून से ज़्यादा जज्बात के रिश्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ऐसे जज्बात के रिश्ते यहाँ पे हैं, जिनके घर हम आते हैं वो हमारे घर आते हैं, एक फैमिली टर्म्स की तरह। मेरी मासी समझ लो, मेरे मामा है, मेरी मासियाँ है कश्मीर की, मुस्लिम्स हैं बहुत सारे। आपसे ये चीज़ जानेंगे कि कश्मीर वापस आना चाहते हो? जी ज़रूर। देखिए, अपनी मातृभाषा से हर किसी को प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से। मेरा जन्म बेशक यहाँ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जन्म यहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली बात है मेरे से ज़्यादा लगाव उनको इस धरती से होगा, क्यों नहीं? अगर हम लोगों को वापस लाएंगे, हम क्यों नहीं लाएं? अच्छे से शौक से आएंगे, अच्छे से खुशहाल घूमती से रहेंगे। कश्मीरी लैंग्वेज आप प्रमोट करते हो, अगर यहाँ पर बात करें तो इस वक्त बच्चों को उर्दू लैंग्वेज सिखाई जाती है या इंग्लिश में बात करना सिखाते हैं, लेकिन आप लोग कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए आप ये क्या मैसेज? देखिए, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो कल्चर है, हम लोगों को यही सिखाता है कि जो हमारी नई यूथ है, नई जनरेशन है, जैसे कि आजकल बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं, नहीं नहीं कश्मीरी मत बोल, तू ऐसा लगेगा, तू वैसे, या तो तू इंग्लिश में बात कर, हम उसको ये नहीं बताते कि कश्मीर, क्योंकि बच्चा उर्दू और इंग्लिश बाहर सीख लेगा, बट जो कश्मीरी है वो आपके घर पर ही सीखेगा, वो बाहर नहीं सीखेगा। हम अपने कल्चर के माध्यम से जितने भी हमारे यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको ये मैसेज देते हैं कि जो अपने रूट्स हैं उनके साथ बने रहिए, अपने रूट्स को नहीं छोड़िए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो एक रिच कल्चर है, जितने हमें अपने कल्चर के बारे में नॉलेज होगी उतना ही अच्छा रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ कश्मीरी पंडित मौजूद थे, जिन्होंने कश्मीर मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों का भाईचारे के बारे में भी बात की, कश्मीरी लैंग्वेज की भी बात की। इसी के साथ आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन शोएब नबी को, आप मसरूर को, इनके साथ देखते रहिए मॉर्निंग कश्मीर।